जय श्री स्वामीनारायण। एस एस चिन स्कूल सीबीएसई रन्स बाय श्री सहजानंद गुरुकुल मानकुआ हार्टली वेलकम्स यू ऑल टू दिस ऑनलाइन एजुकेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू इन एवरी वीडियो, जस्ट कीप योर नोटबुक योर पेन पेंसिल विथ यू, ओके? एंड व्हाट इज रिटर्न ऑन दिस बोर्ड, यू विल हैव टू राइट इट इन योर नोटबुक्स, ओके? सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट स्टैंडर्ड 8 असेस्ड सब्जेक्ट्स हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 रूलिंग द कंट्री साइड्स। इन आवर लास्ट 2 चैप्टर्स वी हैव लर्न अबाउट दैट हाउ द ब्रिटिशर्स दे एस्टेब्लिश्ड दैट रूल इन दिस कंट्री, हाउ दे कम टू दिस कंट्री, ओके? Then they conduct many of war and won the particular areas of this country. Now today we are going to learn about that how they ruling the countryside. Here countryside means the villages part. Okay. So dear students, today's our topics are the company becomes the Diwan, revenue for the company, the need to improve agriculture, the problem, the new system is devised, the Monroe system, and all was not okay or good. Okay, so let me start. कि ये जो ब्रिटिशर्स थे, कंपनी जिसको हम बोल रहे हैं, तो कंपनी में जो ग्रामीण क्षेत्र थे तो उस पर उन्होंने कैसे रूल करना स्टार्ट किया, ओके? ऑन 12 अगस्त 1765 कंपनी के ऑफिसर्स को, कंपनी को जो मुगल एम्परर था उसने बंगाल का दीवान उनको बनाया। सी, आपको आपका जो चैप्टर है उसके स्टार्टिंग में ही आपको ये पिक्चर दिया हुआ है, ओके? कि जिसमें आपको दिखा रहा है कि कैसे वो लोग साइन कर रहे हैं, बट दिस इज नॉट द ट्रू पिक्चर, ओके? ये पिक्चर वो है जो कि कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर से, उन्होंने ऑफिसर्स थे, उन्होंने पेंटर से बनवाया है, बट इन द रियल की जो मुगल एम्परर था उसके दरबार में कुछ ही 2-3 अंग्रेज और बाकी के हमारे जो इंडियन क्वार्टर्स थे उनकी प्रेजेंस में ये चीज़ हुई थी। नाउ हियर कि कंपनी को बंगाल का वहाँ का उनको दीवान बना दिया गया, मतलब कि सारी सत्ता उनके हाथ में थी। लेकिन फिर भी कंपनी को यही लगता था, दीवान होने के बावजूद भी वो एक व्यापारी है। अब यहाँ पे दीवान बनने के बाद बंगाल का पूरा, जैसे कि हम बोले कि सिस्टम जो है वो कंपनी को चलाना था, एंड उसी के साथ साथ उनको जो उनकी कंपनी थी तो उसका भी जो व्यापार था वो भी उनको बढ़ाना था। तो अब इसके लिए उनके पास इनकम कहाँ से आएगी? तो इनकम के लिए उस टाइम पे एक काफ़ी ही इजी, जैसे कि हम बोले कि सोर्स था, इट इज़ अ रेवेन्यू, ओके? नाउ लेट्स सी द रेवेन्यू फॉर द कंपनी, कि रेवेन्यू कहाँ से आता था। अब जैसे कि हमने देखा कि कंपनी दीवान बन चुकी थी, लेकिन फिर भी वो खुद को एक व्यापारी कंपनी की तरह से देख रही थी। अब उन्होंने क्या किया कि बंगाल के जो भी किसान वगैरह थे तो उन पे उन्होंने एक फिक्स टैक्स लगा दिया कि ये फिक्स टैक्स है
टैक्स है जो कि आप लोगों को भरना है, ओके। और फिर उसी से कंपनी जो बंगाल का सिस्टम भी चलाती थी और सारे उनके जो भी खर्चे थे वो भी निकालती थी। बट जैसा कि ये इजी नहीं था, उसके लिए भी उनको आगे जाके काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हुई। वाई? बिकॉज कि एक तो पहले से ही वहाँ पे काफ़ी कम आमदनी थी, उसमें भी कंपनी ने जो कर लगाया था, कंपनी ने जो टैक्स लगाया था वो इतना ज़्यादा था कि वो लोग पे नहीं कर पा रहे थे। और ये जो टैक्स था वो जो लैंडलॉर्ड्स थे, ज़मींदार थे, उनको पे करना था और उनको उनकी जिम्मेदारी ज़मींदार को सौंपी गई थी। बट अब जो कंपनी ऑफिसर्स थे तो उन्होंने ये सोचा था कि एक फिक्स टैक्स रहेगा तो वो जो ज़मींदार हैं वो अच्छे से जो एग्रीकल्चर है, खेती है, फार्मिंग है, ओके, जो किसान हैं तो उनके लिए वो अच्छा अच्छा कुछ करेंगे और फार्मिंग में कुछ अच्छा इंक्रीमेंट होगा। लेकिन इतना ज़्यादा कर होने की वजह से, इतना ज़्यादा टैक्स होने की वजह से ज़मींदार इस चीज़ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड ही नहीं थे। और ये जो पूरा इनका सिस्टम था वो पूरा फेल हो गया, जैसे कि हम बोल सकते हैं। वो दीवान तो बन गई थी कंपनी, लेकिन फिर भी एक जो उसको चलाने के लिए जो सिस्टम चाहिए वो इम्प्लीमेंट करने में वो फेल हो चुकी थी, वो हिचकिचा रही थी। द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, इफ द कंपनी वॉज इन रुइंस कुड द कंपनी बी सर्टेन ऑफ इट्स रेवेन्यू इनकम। जैसे कि हमने देखा कि वो फेल होती जा रही थी, तो फिर उसकी जो रेवेन्यू इनकम जो थी, टैक्स से आ रही इनकम, वो कैसे आती। मोस्ट कंपनी ऑफिशियल्स बिगेन टू फील दैट इन्वेस्टमेंट इन लैंड हैड टू बी इंक्रीज एंड एग्रीकल्चर हैड टू बी इम्प्रूव। कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे तो उनको ये लगा कि जमीन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और एग्रीकल्चर इम्प्रूव करना चाहिए। लेकिन ये होगा कैसे? तो आफ्टर टू डिकेड्स ऑफ डिबेट ऑन द क्वेश्चन द कंपनी फाइनली इंट्रोड्यूस्ड द परमानेंट सेटलमेंट इन 1793 में कंपनी में फाइनली एक सिस्टम इम्प्लीमेंट किया। बाय द टर्म्स ऑफ द सेटलमेंट द राजास एंड तालुकादार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार। अब ये जो नए सिस्टम इम्प्लीमेंट हुई उसके अकॉर्डिंग जो वहाँ के राजा थे और जो तालुकादार थे उनको वहाँ का ज़मींदार बनाया गया, क्योंकि वहाँ पे ज़मींदार नहीं थे। दे वर आस्क्ड टू कलेक्ट द रेंट फ्रॉम द पीसेंट्स एंड पे रेवेन्यू एंड पे रेवेन्यू टू द कंपनी। द अमाउंट टू बी पेड वॉज फिक्स्ड परमानेंटली, दैट इज इट वॉज नॉट टू बी इंक्रीज्ड एवर इन फ्यूचर। इट वॉज फेल्ट दैट इट्स वुड इंश्योर अ रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू इन टू द कंपनीज कॉफर्स एंड एट द सेम टाइम एंकरेज द जमींदार्स टू इन्वेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड। Since the revenue demand of the state would not be increased, the zamindar would benefit from increased production from the land. Now here, ये जो जमींदार जिनको बनाया था उनका काम था कि वो किसानों से कर की वसूली करें, ओके, और इस और जो टैक्स की जो रकम थी, टैक्स की जो टैक्स उनको लेना था वो फिक्स कर दिया गया था। नाउ इसका मेन एम ये था कि
एग्रीकल्चर जो है वो इम्प्रूव हो और किसानों की भी अच्छी खासी लाइफस्टाइल हो। अब इससे हुआ ये कि ज़मींदार जो थे वो तो ज़मीन को इम्प्रूव करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन किसान जो थे तो वो एग्रीकल्चर इम्प्रूव कर रहे थे और उसके साथ साथ उनको फ़ायदा हो रहा था, लेकिन टैक्स फिक्स होने की वजह से कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं था। नाउ यहाँ से भी इस सिस्टम में भी कुछ प्रॉब्लम्स आई। द परमानेंट सेटलमेंट हाउएवर क्रिएटेड प्रॉब्लम्स। कंपनी ऑफिशियल्स सून डिस्कवर्ड दैट द ज़मींदार्स वेर इन फैक्ट नॉट इन्वेस्टिंग इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड। द रेवेन्यू दैट हैड बीन फिक्स्ड वाज सो हाई दैट दैट द ज़मींदार्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे। Anyone who failed to pay the revenue lost his zamindari. Numerous zamindaris were sold off at auctions organized by the company. अब ये जो new system implement हुआ तो उसमें भी problems आई, जैसे कि कोई भी जमींदार जो था तो वो land को improve करने में वो interested नहीं था, क्योंकि उनको जो टैक्स पे करना पड़ता था वो काफ़ी हाई था और वैसे ही वो लोग अपनी जो टैक्स थे वो बहुत ही मुश्किल से पे कर पा रहे थे, और अगर वो टैक्स पे करने में फेल हो जाते तो उनकी जो ज़मींदारी थी, उनकी जो ज़मीन थी वो उनके हाथ से चली जाती। और ये जब सिस्टम जब इम्प्लीमेंट हुआ तभी शुरुआत के टाइम में ही काफ़ी सारे ऐसे ज़मींदार थे, ऐसे पिसेंट्स थे जिनकी ज़मीन वो लोग ले चुके थे। बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी द सिचुएशंस चेंज्ड। द प्राइस इन द मार्केट रोज एंड कल्टीवेशन स्लोली एक्सपेंडेड। दिस मेंट एन इंक्रीज टू द इनकम ऑफ द ज़मींदार्स बट नो गेन फॉर द कंपनी। जैसे कि हमने देखा पहले कि 19th सेंचुरी जब स्टार्ट हुआ तब ये पूरी सिचुएशन चेंज हो गई, बिकॉज मार्केट में जो प्रोडक्शन था उसका प्राइस बढ़ने लगा था, लेकिन यहाँ पे ज़मींदार जो थे उनको फ़ायदा हो रहा था, उनकी इनकम बढ़ रही थी, लेकिन कंपनी को कुछ पर्टिकुलर फ़ायदा नहीं हो रहा था। इवन द ज़मींदार्स डिड नॉट हैव एन इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग लैंड। लेकिन अभी भी ज़मींदार को लैंड इम्प्रूव करने में इतना कोई इंटरेस्ट नहीं था। सम हैड लॉस्ट देयर लैंड्स इन द अर्लियर ईयर्स। जैसे कि हमने देखा कि कुछ ऐसे थे कि जिन्होंने अपनी लैंड जो थी वो काफ़ी मतलब कि शुरुआती टाइम में ही उन्होंने गंवा दी थी। ऑन द अदर हैंड In the villages, the cultivator found the system extremely operative. The rent he paid to the zamindar was high and his right on the land was insecure. To pay the rent, he had to often take a loan from the moneylender. And when he failed to pay the rent, he was evicted from the land and has cultivated for generations. जैसे कि दूसरी तरफ देखें कि जो किसान थे, villagers जो थे, तो ज़मींदार तो अभी भी agriculture को या फिर land को improve करने में वो fail ही थे, उनको कोई interest ही नहीं था। लेकिन जो किसान थे उन लोगों को, जो ज़मींदारों को जो रेंट पे करना होता था तो वो काफ़ी हाई था, मतलब काफ़ी ज़्यादा था, तो उसकी वजह से वो उनको अच्छे से रेंट पे नहीं कर पा रहे थे। और तो और उनका ज़मीन पे जो हक था, अधिकार था उनका, वो भी परमानेंट नहीं था, क्योंकि इनसिक्योर थे कि कभी भी उनकी ज़मीन उनके हाथ से जा सकती है। और कई बार ऐसा होता कि टैक्स पे करने के लिए उनको जो भी मनी लैंडर्स जो थे उनके पास से उनको पैसे उधार पे लेने पड़ते।
सिचुएशन को देखते हुए एक नई सिस्टम जो है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही है. अ न्यू सिस्टम इज डिवाइज्ड बाय द अर्ली 19th सेंचुरी. मैनी ऑफ द कंपनी ऑफिशियल्स वर कन्विंस्ड दैट द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू हैड टू बी चेंज्ड अगेन. 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में काफ़ी ऐसे कंपनी ऑफिशियल्स थे, तो उन लोगों को ये जो सारी प्रॉब्लम्स आई वो देखते हुए उनको ऐसा लगा कि रेवेन्यू कलेक्ट करने की, मतलब कि टैक्स की जो सिस्टम है वो चेंज होनी चाहिए, ये सिस्टम सही नहीं है. देन आफ्टर इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ बंगाल्स प्रेसिडेंसी एंड Englishman called Holt McKenzie devised the new system. Northern part में Holt McKenzie ने एक नए system वहाँ पे implement की in 1822. तो उसके हिसाब से he felt that the village was an important social institution in North Indian society and needed to be preserved. Under his directions, collectors went from village to village, inspecting the land, measuring the land, and recording the customs and rights of different groups. The estimated revenue of each plot within a village was added up to calculate the revenue that each village had to pay. अब ये जो हॉन्क मैकेंजी था तो उसने एक न्यू सिस्टम अप्लाई की. अब उसके हिसाब से क्या था कि जो कलेक्टर्स थे तो उनको विलेज टू विलेज जाना था, वहाँ के जो किसान थे उनकी जो रीति रिवाज थे वो कैसे फार्मिंग करते हैं उनके जो फार्म थे वो मेज़र करने थे, फील्ड मेज़र करने थे, विलेज का पार्ट मेज़र करना था, इन सब को उसने ध्यान में रखा. और फिर हर एक गांव को उस मेजरिंग के हिसाब से कितना रेवेन्यू पे करना पड़ेगा उसकी कैलकुलेशन का, एंड इट इज कॉल्ड अ महल. और ये जो सिस्टम जो थी इम्प्लीमेंट हुई कि हर एक विलेज को उसके मेजरिंग के हिसाब से उनको रेवेन्यू देना है, ये सिस्टम को महल वाली सिस्टम बोला गया. यस आई रिपीट कि ये सिस्टम कि हर एक विलेज को उसके मेजरिंग फील्ड्स की अकॉर्डिंग उनको जो रेवेन्यू पे करना है उसको माहौलवारी सिस्टम बोला गया. राइट इट डाउन. माहौलवारी सिस्टम. Then after the Munro system, let's see about that what is the Munro system. In the British territories in the south there was a similar move away from the idea of permanent settlement. अब जो दक्षिण भारतीय इलाके थे तो वहाँ पे भी उनको लगा कि ये जो fixed settlement वाला जो system है उसको हटाना चाहिए, मतलब कि वहां पे भी उसको इम्प्लीमेंट किया गया. द न्यू सिस्टम दैट वॉज डिवाइज केम टू बी नोन एज द रोतवार. और यहाँ पे जो नई सिस्टम आई उसको रैयतवार बोला गया. जो दक्षिण भारतीय इलाकों में जो न्यू सिस्टम इम्प्लीमेंट हुई उसको रैयतवारी सिस्टम बोला गया. Then after,
इट वॉज ट्राइड ऑन अ स्मॉल स्केल बाय कैप्टन अलेक्जेंडर रीड इन सम ऑफ द एरियाज दैट वर टेकन ओवर बाय द कंपनी आफ्टर द वॉर्स विद टीपू सुल्तान. टीपू सुल्तान के साथ युद्ध में जो एरिया अलेक्जेंडर ने जीते थे उस एरिया पे ये सिस्टम जो थी वो इम्प्लीमेंट की गई और फिर धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत के जो भी सारे इलाके थे उसमें ये सिस्टम इम्प्लीमेंट की गई और उनको लगा कि ये जो सिस्टम है वो वर्क करेगी और इस सिस्टम को मुनरो सिस्टम के नाम से जाना गया. लेकिन ये सिस्टम इम्प्लीमेंट होने के कुछ ही साल बाद इसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो गई. जैसे कि ये सिस्टम के अकॉर्डिंग उनको अपने विलेज के मेजर के हिसाब से देना था लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग थे कि जिनकी इनकम पीसेंट्स की नहीं बढ़ रही थी और ना ही कंपनी की इनकम बढ़ रही थी. मतलब कि पहले से लेके जब से वो बंगाल के दीवान बने तब से लेके उन्होंने जो भी सिस्टम्स अप्लाई किए तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी और कोई भी सिस्टम पूरी तरह से सक्सेस नहीं हुई. Here we rest over this chapter and we have learned this topics. I repeat these topics. The company becomes the divan, revenue for the company, the need to improve agriculture, the problem, a new system is devised, the Munro system, and all was not well. So these are our today's topics. Now, dear students, if you have any query according to this chapter, according to this topics, so put it in a comment box. Join Microsoft Teams meeting for your doubt solution and we will meet in the next video with the rest of the chapter. Till then, Jai Shri Swaminarayan.